प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं के साथ की बातचीत। राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं पुरस्कार विजेता। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने उठाए गठबंधन पर सवाल, कहा ममता ने बनाई गुंडों की टोली, जनता नहीं भूलेगी सपा बसपा का भ्रष्टाचार। मायावती की जी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती थी उत्तर प्रदेश दोनों से लुटाए, तो दोनों साथ हो जाएंगे तो क्या सर, ममता जी ने अभी एक रैली करी। ममता जी का आप देखिए, ममता जी का देखिए जाके बंगाल में पूछा ही, गुंडागर्दी का ये वहाँ बोलबाला है, बिल्कुल गुंडागर्दी का, एकदम बिल्कुल गुंडों की टोली बनाए हुए हैं उन्होंने। कांग्रेस ने किसानों को छला, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का बयान, कहा कांग्रेस का काम है वायदे कर भूल जाना। किसानों को बरगला करके वोट लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा पार्टी ने प्रदेश में फैला दी अराजकता, भाजपा और आरएसएस के लोग मारे जा रहे हैं, चुप रहना असंभव। अभी रतलाम की कल की घटना जिसमें संघ के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार जी की हत्या कर दी गई, अब इंदौर मंदसौर बड़वानी गुना ग्वालियर उसके बाद अब रतलाम जिला, फिर कैसे दिखेगा आखिर कितनी हत्याएं होंगी। और हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें, हम राजनीति कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हम कैसे ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्या हो रही है। कुंभ पहुंचकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने की पूजा पाठ, मुख्यमंत्री सीएम योगी का बयान, 6 स्नान पूरे होने तक 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे कुंभ। जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को दहलाने की थी योजना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। राजौरी में चौकियों पर पाकिस्तान ने की गोलीबारी, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हमले। रोज वैली घोटाले में बंगाली फिल्म निर्माता श्रीकांत मोहता गिरफ्तार, सीबीआई ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में 4 मंजिला इमारत गिरी, मृतकों की संख्या पहुंची 6, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसरो आज लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट क्लासमेट, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है सैटेलाइट। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से सस्पेंशन हटाया गया, एक टीवी शो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर खेलने पर लगा था प्रतिबंध। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।